नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि खेल के प्रति बच्चों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। खेल के दुनिया में नाम रोशन करने के लिए छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो इत्यादि गेम में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। विभिन्न खेलों के प्रति बच्चों की दिलचस्पी को समझने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ RDSO स्टेडियम में नन्हे मुन्हे बच्चों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक समय था जब बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे कमाल। किंतु बदलते समय के साथ ये कहावत उल्टी हो गई है। अब खेल के दुनिया की चकाचौंध में कैरियर बनाने के लिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। खेल बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। खेल के माध्यम से मिलने वाली चुनौती बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। खेल खेल में शिक्षा बोझ रहित व मनोरंजक होती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है और बच्चे स्वप्रेरित होते हैं। बच्चों के लिए खेल प्राकृतिक, सहज, आनंददायक एवं लाभप्रद होता है। विभिन्न गेम में पसीना बहा रहे बच्चों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के कानपुर रोड स्थित RDSO स्टेडियम की तस्वीर है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में भिन्न भिन्न गेम का प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो सहित विभिन्न खेल की दुनिया में नाम रोशन करने की हसरत लिए बच्चे प्रतिदिन पसीना बहाते हैं। RDSO स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस स्टेडियम से निकलने फुटबॉल में करण यादव, बास्केटबॉल में अंकुर आनंद सिंह व विपिन कुमार सिंह, क्रिकेट से रणजी खिलाड़ी संदीप चेतन सचदेवा एवं संजीव मिश्रा तथा एथलेटिक्स में 10,000 मीटर की रेस में देश का प्रतिनिधित्व कर लखनऊ RDSO स्टेडियम को गौरवान्वित किया है। खेल की दुनिया में कैरियर के अपार संभावनाओं को देखते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों सहित युवाओं का रुझान विभिन्न खेलों के प्रति बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस समय हम राजधानी लखनऊ के RDSO स्टेडियम में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्हे बच्चे विभिन्न खेल के माध्यम से अपना जहां भविष्य संवारना चाहते हैं, वहीं देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इन नन्हे मुन्हे बच्चों का जज्बा देखिए कि इस चिलचिलाती धूप में, भीषण गर्मी में भी पसीना बहा रहे हैं। हालाँकि इस समय इनके स्कूल बंद हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, जिसका भरपूर फायदा ये लोग गेम की प्रैक्टिस करके अपने गेम को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। इनके कोच भी इनके साथ हैं और उनके मार्गदर्शन में ये समुचित रूप से अपने खेल को, अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। इसी समय भैया आप फुटबॉल के कोच हैं, क्या नाम है आपका? मिस्टर विकास कुमार। विकास जी, क्या कहना चाहते हैं? नन्हे मुन्हे बच्चे हैं और फुटबॉल जैसा एक टफ गेम, वाकई इसको देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फुटबॉल में कितना पसीना बहाना पड़ता है, और इन नन्हे मुन्हे बच्चों को इस खेल में आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्या किस किन 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 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, चुनौतियाँ तो यहाँ बहुत सी हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में हमें इन बच्चों को डेवलप करके देश के लिए कुछ आगे की तरफ बढ़ाना है, और ये बच्चे जो हैं यही स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ करना चाहते हैं। ये इनका जज्बा है कि ये 5 बजे, शाम को 5 बजे जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये ग्राउंड में होते हैं और फुल प्रैक्टिस पे रहते हैं, पूरा अपना 100% एफर्ट देते हैं। देखा जाए तो ये RDSO का स्टेडियम बहुत, यहाँ से बहुत नामी गिनामी जो है खेल के खिलाड़ी तमाम रूप से, क्रिकेट को देख लिया जाए, वॉलीबॉल को देख लिया जाए, बास्केटबॉल को देख लिया, फुटबॉल को देख लिया जाए, लोग निकले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी गए होंगे। जी 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 जी, यहाँ से तो जैसे यहाँ पे कोई ऐसा, क्या फुटबॉल के कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से बहुत आगे गए हैं? जी जी, हमारे यहीं क्लब के मेम्बर हैं करण सिंह यादव। जी जी, वो इंटरनेशनल हैं। इंटरनेशनल जी, गेम में? फुटबॉल में ही है। फुटबॉल में जी। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बात करना चाहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? जसगुन। जसगुन, जसगुन जी, क्या बनना चाहते हैं? फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूँ बड़ा होके सबसे बड़ा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो फुटबॉल क्यों खेल रहे हो? अरे मैं तो तब बाकी के नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स पे भी हिस्सा, मतलब जूनियर में, मुझे जूनियर में भी हिस्सा लेना होगा ना। मतलब प्लेयर भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है?
हाँ। और फुटबॉल का खिलाड़ी बन के देश का नाम बहुत ऊपर करना चाहते हैं ना? और इसी क्रम में कुछ गर्ल्स हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और कहीं कहीं खेल को लेकर उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। क्या नाम है बेटा आपका? विशाली सिंह। विशाली जी, यस, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती है, किस क्लास में पढ़ती है? सेवेंथ में। तो फुटबॉल का ये प्रशिक्षण आप ले रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है? बहुत। किस लेवल तक खेली है अभी तक? अभी तो अभी मेरे को एक महीना हुआ है। जी आपका क्या नाम है? पूनम भारती। पूनम क्या करना चाहती हो फुटबॉल को लेकर? सर फुटबॉल को लेकर यही कि फुटबॉल में मुझे इंटरेस्ट था इसीलिए मैं आई। मेरे को भी अभी एक ही महीना हुआ है। और महीने से? हाँ, एक महीने से हुआ है। तो आगे किस लेवल पे जाना चाहती हैं? नेशनल पे। नेशनल लेवल? इंटरनेशनल क्यों नहीं, इंटरनेशनल भी जाएंगे। बेटा आपका क्या नाम है? दिव्या यादव। दिव्या जी बताओ, अभी तो अभी छोटी हो, अभी से इतनी मेहनत कर रही हो, हैं? क्या करना चाहती हो? फुटबॉल तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। और फुटबॉल में अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत आगे तक खेलूंगी। अभी मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए? हाँ? ये तो नहीं कहते हैं कि स्टेडियम में जा रही हो, पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं कहते, मम्मी पापा ने डलवाया है। मम्मी पापा ने एडमिशन करवाया है। इसी क्रम में कुछ बच्चे और हैं जी, क्या नाम है बेटा आपका? शाश्वत सिंह। क्या कहना चाहते हैं फुटबॉल को लेकर? मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है इन बच्चों को, फुटबॉल में इंटरेस्ट है। और इसी क्रम में एक नन्हा हीरो यहाँ का है, इस स्टेडियम का, जो टॉपर है और फुटबॉल को तो इस तरह नचाता है जैसे फुटबॉल इसके कब्जे में हो, इसके चंगुल में हो, इसके बस में हो। क्या नाम बेटा आपका? निश्चय मेरुत्रा। हाँ, फुटबॉल को एक बार फिर से एक बार डिक करो, जबलिंग करो। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को जब तक ये चाहे फुटबॉल इसके पैरों से दूर नहीं हो सकता है। बस करो इधर आओ। हाँ, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा हमें। आपको अच्छा लगा हमसे मिलके? हाँ। क्या कहना चाहते हो फुटबॉल को लेकर? कितना मेहनत करते हो? दो घंटे रोज अकेडमी में और घर पे तो करता ही रहता हूँ। घर में? तो घर में तो टीवी भी फोड़ देते होगे? नहीं, कहीं अब आंगन में जहाँ पे खाली स्पेस होती है वहाँ पे तो पेड़ पौधे भी टूट जाते होंगे? नहीं, डांट पड़ती होगी घर से? मम्मी कहते होंगी ये फूल का पौधा तोड़ दिया आपने, क्यों? फिर भी फुटबॉल खेलना है। किस लेवल पे जाना चाहते हैं आप? आगे आइए, पीछे क्यों जा रहे हैं? नेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं। तो आपके जो कोच हैं, अंकल हैं, वो किस तरह से आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से। उनके दिशा निर्देशन में बड़ा अच्छा लग रहा है आपको फुटबॉल सीखना? बिल्कुल, ये बच्चे हैं और निश्चित रूप से इस तरह से, जिस तरह से ये लोग पसीना बहा रहे हैं, कहा जाए आने वाले समय में जब भी इनका समय आएगा निश्चित रूप से ये देश का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह बच्चा अभी आपने तस्वीर में देखा फुटबॉल उछाल रहा था, तो फुटबॉल जैसे लग रहा था इसके पैर में चुंबक है, फुटबॉल इसके पैर की तरफ आ रही है। और इस तरह से सारे बच्चे हुनरमंद हैं और भाई साहब की देख रेख में जिस तरह से प्रशिक्षण पा रहे हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि फुटबॉल की दुनिया में आने वाले में ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे, लखनऊ का नाम रोशन करेंगे। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि नन्हे मुन्हे बच्चे क्रिकेट के प्लेयर हैं। कोई सचिन बनना चाहता है, छोटा सचिन यहाँ पे खड़ा है। कोई सचिन बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, और क्या बनना चाहते हैं? युवराज सिंह बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। अरे गजब, क्या बात है, इधर आइए, भागिए नहीं। आपका नाम युवराज है और युवराज सिंह ने तो देश का नाम रोशन किया था, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। याद है क्रिकेट का उनका? तो किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। क्रिकेट क्यों अच्छा लगता है बताइए? ऐसे ही बचपन से क्रिकेट अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? हरमन सिंह। अरे हरमन सिंह, हरभजन सिंह की तरह जो है आप लगता है बॉलर बनना चाहते हैं? हाँ? विराट कोहली। अच्छा, बल्लेबाज बनना चाहते हैं, बैट्समैन। क्रिकेट? हाँ। अच्छा लगता है? यस। क्यों अच्छा लगता है क्रिकेट? मुझे बचपन से ऐसी क्रिकेट पसंद है। फुटबॉल क्यों नहीं, बास्केटबॉल क्यों नहीं, बैडमिंटन क्यों नहीं? नहीं, वो तो जो है इंडिविजुअल गेम होता है, जैसे बैडमिंटन हो गया, आप अकेले ही अपना नाम रोशन कर रहे हैं। क्रिकेट टीम होती है, टीम में तो बहुत परीक्षा होती है, तमाम इसमें से कौन बच्चा आगे जाएगा कोई कह नहीं सकता है।
उदित जा सकता है, प्रांशु जा सकता है। लेकिन जिसका खेल अच्छा रहेगा वो निश्चित रूप से आगे जाएगा। जो जिस भी दिशा में, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे विकेट कीपर कहाँ गए? सचिन तेंदुलकर इधर आओ भाई, ये छोटा बच्चा है और इस स्टेडियम का क्या है, सचिन तेंदुलकर है। क्या नाम बेटा आपका? कुंज श्रीवास्तव। देखा जाए ये इस स्टेडियम के छोटे सचिन है, इनका नाम कुंज श्रीवास्तव है। आप किसमें रुचि रखते हैं? बैट्समैन बनना चाहते हैं, बॉलर बनना चाहते हैं, या क्या बनना चाहते हैं? हम बैट्समैन और कीपर बनना चाहते हैं। मतलब धोनी की तरह जो है अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं? वो भी तो बहुत अच्छे जो है विकेट कीपर भी थे, बैट्समैन भी थे। हाँ है? यस जी। देखा जाए तो लड़कियां जो है देश में क्रिकेट को लेकर बहुत आगे नाम रोशन की हैं। जी। क्या नाम है आपका? आराध्या चौरसिया। आराध्या? आराध्या जी। हाँ, तो क्रिकेट अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें कई सारी टीम्स में मिलके खेलना होता है। मिलके खेलना होता है, सबके साथ खेलना होता है। मम्मी पापा तो नहीं डांटते हैं कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ, दिन भर बैट बल्ला लेके जुटी हो? नहीं। तो ये क्रिकेट के बच्चे हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं, और जिस तरह ये लोग इस स्टेडियम RDSO के स्टेडियम में पसीना बहा रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोग भी देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुछ नहीं बोलना है। तो ये बच्चे हैं, आज सी न्यूज के कैमरे पे देखिए किस तरह से खुश हैं, और पूरी क्रिकेट टीम है इंडिया की, मैं तो कहूँगा ये इंडिया की टीम है, आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पे ये टीम खेलेगी। इसी क्रम में सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो क्रिकेट के कोच हैं, और नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से जो है अपने भविष्य को क्रिकेट की दुनिया में संवार रहे हैं और आने वाले समय में अपना नाम और इस देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। सपना हर बच्चों का होता है भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो, किंतु ये प्लेग्राउंड है और ये RDSO का स्टेडियम है। आप देख सकते हैं कि इस स्टेडियम में, हम कहेंगे तस्वीर घुमा के दिखाएं, इस स्टेडियम में जहां बड़ी संख्या में बच्चे क्रिकेट का अभ्यास कर रहे हैं, वहीं फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं, और बास्केटबॉल सहित जूडो, कराटे इत्यादि कई गेम्स ऐसे हैं जो जिस गेम में ये लोग अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। सौरभ जी क्या कहना चाहते हैं इस क्रिकेट को लेकर, इन छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से आप क्रिकेट सिखा रहे हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, क्रिकेट भारत में जैसे कि पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से प्रचलित होता हुआ गेम है, और क्रिकेट भारत में धर्म की तरह माना जाता है, और यहाँ से भारत ने बहुत से विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी दिए हैं। पुराने समय से लेकर आज तक सचिन से लेकर गावस्कर से लेकर धोनी से लेकर विराट कोहली तक बहुत ही मान खिलाड़ी दिए हैं। अब जब किसी भी देश से बहुत अच्छे खिलाड़ी ऐसे निकलते हैं विश्व स्तरीय, तब जो वहाँ की जो नई जनरेशन होती है वो उनको आइडियलाइज़ करती है। जब आइडियलाइज़ करती है तो वहाँ क्रिकेट स्ट्रक्चर और क्रिकेट कल्चर की तरह डेवलप होता है, और ये बहुत ही अच्छा आजकल स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो रहा है। तो कई सारे जो हमारे नौजवान बच्चों ने खिलाड़ी गेम को, इस क्रिकेट को एज अ कैरियर की तरह उन्होंने चुना है, और ये देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और इतनी बड़ी हो चुकी है, जिसने विश्व में भारत को एक नया परचम फहराया है। देखा जाता है कि स्टेडियम में तमाम ऐसे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी आते हैं जो युवा अवस्था में होते हैं, जो अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों से या कहीं से भी अपने निजी तौर पे क्रिकेट को निखार कर स्टेडियम में आते हैं और चुने जाते हैं अपने प्रतिभा के आधार पर। किंतु यहाँ तो RDSO के स्टेडियम में देखा जा रहा है कि क्रिकेट की नर्सरी देखी जा रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको क्रिकेट का, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं और जाएं ABCD का ज्ञान नहीं होगा, वो बच्चे आज क्रिकेट को इतने सलीके के साथ खेल रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से अगर देखा जाए कि प्राइमरी अवस्था में या जो है बच्चों के एक बाल्यावस्था से ही इस गेम का उनको प्रशिक्षण दिया जाए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग देश का नाम रोशन तो जरूर ही करेंगे। जी, निसंदेह बच्चों में क्या होता है कि कुछ भी कैप्चर करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो बच्चे जिस चीज़ को भी देखते हैं उन्हें सीखना चाहते हैं, तो किसी भी, यही उम्र होती है कि उसमें बच्चों को किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है, और इन्होंने क्रिकेट को चुना हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस उम्र में ये बहुत अच्छे से इसको पकड़ सकते हैं और ये बहुत ही आगे विश्व स्तरीय स्टेट खेल सकते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे कीर्तिमान बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है इनके लिए।
इसी क्रम में RDSO स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में आप देख रहे हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह इस भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। इनका सपना बास्केटबॉल प्लेयर बनने का है और जिस तरह से ये लोग इतनी बड़ी तादाद में देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, इस बच्ची को देखो आप, इसके अंदर इसकी एनर्जी देखो, इसके अंदर का जुनून देखिए कि किस तरह से ये लोग खेल के प्रति दीवाने हैं, बास्केटबॉल खेल के प्रति, और बास्केटबॉल की दुनिया में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या बेटा थक गए, क्या नाम है आपका? रोनित वर्मा। हाँ, रोनित वर्मा। रोनित वर्मा, अरे गुड नेम। क्या बनना चाहते हैं? मैं तो पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस बनना चाहते हैं? तो इस बास्केटबॉल अच्छा लगता है गेम खेलना? हाँ। क्रिकेट नहीं अच्छा लगता है? नहीं। और फुटबॉल? फुटबॉल भी नहीं। फुटबॉल भी नहीं, तो बास्केटबॉल खेल के और प्लेयर बनना चाहते हो, प्लेयर बन के पुलिस बनना चाहते हो ना? हाँ। इसी क्रम में और भी बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जोया। आपका चेहरा ऐसे ऐसे कर लूं, हैं? क्या नाम है आपका? जोया। जोया बेटा आप क्या बनना चाहती हो? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर देश में नाम रोशन करना है, पुलिस सर्विसेज में जाना है, तो कहीं न कहीं इन बच्चों को आज इस बात का एहसास है। इनकी उम्र देख लीजिए कि इनको पता है कि गेम के माध्यम से ये अपने मुकाम को बड़े आसानी से हासिल करना चाहते हैं। क्या नाम बेटा आपका? नाव्या। नाव्या, बास्केटबॉल अच्छा लगता है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें वो बास्केटबॉल में इसमें मारना पड़ता है। और हाँ, तो आप इसमें क्रॉस कर देते हो बॉल को बास्केट में? कभी कभी। कभी कभी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? हाँ। किस क्लास में आप पढ़ती हो? थर्ड में। थर्ड में। मम्मी पापा तो नहीं कहते खेल रही हो 5 बजे से, होमवर्क नहीं पूरा हुआ है? नहीं नहीं, खेलने के बाद प्रोत्साहित करते हैं मम्मी पापा। तो बास्केटबॉल प्लेयर बनोगे? हाँ। आ? किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कि नेशनल लेवल, या इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहोगे? नेशनल लेवल। बस नेशनल। नेशनल तो पहुंचोगे, इंटरनेशनल पहुंचेंगे ही। अरे गोलू गोलू क्या हाल है, क्या नाम बेटा आपका? रियांश। रियांश क्या करना चाहते हैं? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल वो मेरा फेवरेट है। आई लव बास्केटबॉल। हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड। थर्ड में। तो गर्मी इतनी है, इतना पसीना से भीगे हो, तर बदर हो, गर्मी नहीं लग रही है? खेल का जुनून है ना? हैं, अच्छा लगता है, पसीना छूटता है, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, गुड। तो ये लोग बच्चे हैं, और कोई बात करना चाहेगा बेटा? कम सर, आइए आइए, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मेरा कुछ खाया पिया करो ना, खेलते हो दुबले हो। हैं, खाते हैं। खाते हैं, लेकिन स्टेमिना है। हाँ। तो बास्केटबॉल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये मेरा फेवरेट गेम है और ये मेरी हॉबी भी है। हॉबी है? अरे तो हम लोग तो जो है घर में गुल्ली डंडा और जो है क्रिकेट ये सब सीखते थे, तो बास्केटबॉल तो जो है बाद में आया, तो बास्केटबॉल कैसे पसंद आ गया? घर में और कोई खेलते हैं क्या बास्केटबॉल? नहीं। बैडमिंटन क्यों नहीं देखा जाता है? बच्चे के हाथ में रैकेट होता है, बच्चे शुरू से बैडमिंटन पसंद करते हैं। ये मेरे को अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है जी। आपका क्या नाम है बेटा? आदित्य। क्या कहना चाहते हैं बास्केटबॉल को लेकर? ये बहुत अच्छा गेम है, इसको खेलने से मतलब माइंड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। मतलब जैसे कि गोल है आपका, आपको वही करना है, आप कहीं अगल बगल कर देंगे तो एक टारगेट आपका निर्धारित रहता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और गेम में टारगेट नहीं होता है क्या? गेम में भी होता है। तो गेम में टारगेट तो हर उसमें गेम में उसमें इसमें अगर आपको अपने बॉल को बचाना है तो बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कहीं कहीं ये पढ़ाई लिखाई में आपके जो है होमवर्क में काम आता है? निश्चित रूप से। गेम वाकई कहा जाए तो गेम, अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो इनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, और निश्चित रूप से व्यक्ति को शारीरिक रूप से हुष्ट पुष्ट रखने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं, छोटी सी उम्र में आज ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये लोग निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेंगे। इसी क्रम में इन बच्चों को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे इनके कोच हरिओम शर्मा जी यहाँ पर हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि भाई साहब जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस गर्मी में आप इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, कई चुनौतियाँ भी सामने आती होंगी इन बच्चों को लेकर। जी जी, आए दिन नई नई चुनौतियाँ सामने आती हैं, कभी किसी बच्चे को कोई चोट लग जाती है, कभी किसी बच्चे को कोई गर्मी लगती है, बच्चों के अलग अलग जितने भी मतलब दिक्कतें हैं सब फेस करनी पड़ती हैं समय के अनुसार।
छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कब क्या दिक्कत हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी का पेट दर्द हो जाता है, किसी का सिर दर्द हो जाता है, वो सब देखना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में वो गर्मी, गर्मी इनके ऊपर बहुत मार पड़ रही है। तो हमने टाइम भी अपना 5:30 से 6:30 कर दिया है इन दिनों, तो थोड़ी गर्मी से इनको राहत मिले ताकि। और इनको बोला गया है कि स्पेशली अपना पानी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि इन दिनों पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो हाइड्रेट रहें बिल्कुल, पानी यूज़ करते रहें समय समय पर। तो यही हमारी कोशिश है कि हाँ आगे चल के इनमें से भी कोई एक, अगर एक भी प्लेयर बनता है बढ़िया, इंडिया खेलता है, तो बताएगा कि हाँ हम वहाँ से स्टार्ट किए थे, तो हमें काफ़ी गर्व महसूस होगा। देखा जाए तो इस कोर्ट ने नेशनल लेवल के खिलाड़ी दिए हैं। जी 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 जी। तो कौन कौन से ऐसे लोग रहे हैं? ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी तो हमारे साथ ही हुए हैं, हमारे साथ खड़े हैं हमारे सुनील पाल भैया, पूरे इंडिया लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, अंकुर आनंद हैं, संतोष भाई हैं, उपेंद्र भैया हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे भैया लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, बॉल पकड़ना सिखाया, उन्हीं की वजह से आज मैं इन लोग को कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है सब भैया लोग की। फिलहाल आप चाहते हैं कि आने वाले समय में इन बच्चों में से ज़्यादातर बच्चे इंडिया लेवल पे खेलें और इस देश का नाम रोशन करें। आप देख सकते हैं कि ये क्या नाम बताया आपने, हरिओम शर्मा जी जो कोच हैं बास्केटबॉल के, और इन बच्चों को अपने दिशा निर्देशन में जिस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं, वाकई ये काबिले तारीफ़ है। इन छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षित करना, और इन बच्चों का जज्बा देखिए, इस गर्मी में भी इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, इनका इस खेल के प्रति इनका जज्बा बढ़ता जा रहा है। इनका कहना है कि इन बच्चों से हमने बात की, कुछ बच्चों का कहना है कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल इस गेम के माध्यम से बढ़ता है, पढ़ने लिखने में मन लगता है, खेल के साथ साथ ये लोग पढ़ने वाले बच्चे नंबर भी अच्छे लाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे होनहार बच्चे इस प्लेग्राउंड से, इस कोर्ट से अगर आने वाले समय में आगे निकलेंगे, निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेंगे। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।